कर्मचारियों और पेंशनरों के 18 महीने डीए बकाया को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। कर्मचारियों को यह बकाया जारी किया जा सकता है। यह डीए बकाया जनवरी 2020 से जून 2021 तक का है। अगर मंत्रालय इसमें बढ़ोतरी करती है तो कर्मचारियों की सैलरी में से एक बड़ी बढ़ोतरी देखी जा सकती है, जैसा कि रिपोर्ट्स के मुताबिक निकल के आया हुआ है। दरअसल भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा और कहा कि महामारी के दौरान सरकारी कर्मचारी और रिटायर्ड लोगों का रोका गया भत्ता अब वापस करना चाहिए। उन्होंने कोविड-19 के दौरान इनके योगदान और देश के प्रयासों का समर्थन करने में उनकी भूमिका जोर दिया है। आपको बता दूं कि जैसा कि न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रस्ताव में लिखा गया है कि 25 जनवरी को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ते डीए को बकाया लेकर विस्तार में चर्चा की गई है। यह बकाया 18 महीने की अवधि से संबंधित है, जिसके दौरान डीए और महंगाई भत्ता भुगतान को महामारी में वित्तीय तनाव के कारण निलंबित कर दिया गया था। आपको बता दूं कि भेजे गए प्रस्ताव में मुकेश सिंह ने कहा कि मैं चुनौतीपूर्ण समय के दौरान सभी कर्मचारी सरकारी और पेंशनर के महत्वपूर्ण योगदान को उजागर करना चाहूँगा। उनका अटूट समर्थन और कड़ी मेहनत आवश्यक सेवाओं के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने और देश की लड़ाई का समर्थन करने में सहायक थी। उन्होंने कहा कि कोविड के समय रोकी गई 3 किस्तों का आगामी बजट में जारी करने का अनुरोध करता हूँ। आपको बता स्पर्श डिफेंस पेंशन क्या है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, इस योजना का लक्ष्य 12 करोड़ लाभार्थी परिवारों को माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार 5 लाख रुपये प्रति वर्ष का स्वास्थ्य कवर प्रदान करता है। पिछले 2 वित्तीय वर्षों के दौरान ही 16.7 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। आपको डिफेंस पेंशन कैसे चेक कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, अपने राज्य पेंशन की वेबसाइट पर जाएं या इनोसियोर की वेबसाइट पर जाएं, जिसके साथ आपने अपना पेंशन अकाउंट खोला है। अपना परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर PRAN और वह वित्तीय वर्ष दर्ज करें जिसके लिए आपको वृद्धा पेंशन चेक चाहिए। आपको स्पर्श पेंशन के लिए कौन पात्र है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, सशस्त्र बलों के लिए पेंशन मंजूरी और संवितरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्टर रक्षा स्पर्श लागू किया जा रहा है। सेना, नौसेना, वायुसेना और रक्षा नागरिक। स्पर्श के क्या फायदे हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, यह प्रणाली लाभार्थी के लिए सब कुछ पारदर्शी बनाती है। स्पर्श प्लेटफॉर्म पेंशन भोगी को दिए गए भुगतान का इतिहास रखता है। इसके अलावा इसमें पेंशन भोगी के हर अधिकार के साथ साथ उसके अधिकार और पेंशन शुरू होने और बंद होने तक की तारीख भी शामिल होती है। आपको बता DSP अकाउंट के क्या फायदे हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, पेंशन धारकों को DSP अकाउंट से फायदे। आपको बता दूं कि जैसा कि आप सब जानते हैं, शून्य बैलेंस खाता और भारत में किसी भी बैंक के ATM में निःशुल्क असीमित संख्या में लेन देन का कारण ऋण पर प्रोसेसिंग फीस की 100% छूट, वार्षिक लॉकर किराए पर 25% तक की छूट गई है। EMOD मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट बनाने और उच्च ब्याज अर्जित करने के लिए ऑटो स्वीप सुविधा। आपको बता दूँ, स्टेट बैंक डिफेंस से जुड़े लोगों के लिए सैलरी अकाउंट के तहत डिफेंस सैलरी पैकेज की सुविधा देता है। इस सुविधा के जरिए आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, इंडियन कोस्ट गार्ड, असम राइफल्स, राष्ट्रीय राइफल्स के जवान सैलरी अकाउंट खुलवा सकते हैं। यह अकाउंट 4 वेरिएंट्स में उपलब्ध है, जिसमें सिल्वर, गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम है। आपको जैसा कि आप सब जानते हैं, कर्मचारी को क्या मिलता है फ़ायदा इससे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, जीरो बैलेंस अकाउंट और किसी भी बैंक के ATM में मुफ्त असीमित लेन देन। आपको बता दूं कि सभी रैंक के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा मृत्यु पर 30 लाख रुपये तक कवर किया जाता है। हवाई दुर्घटना बीमा मृत्यु पर सभी रैंकों को 1 करोड़ रुपये कवर दिया जाता है। हालांकि इसमें नियम और शर्तें हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, व्यक्तिगत कुल विकलांगता पर सभी रैंकों के लिए 30 लाख रुपये तक कवर होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, आंशिक विकलांगता पर 10 लाख रुपये कवर किया जाता है। पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन के प्रोसेसिंग फीस पर 100% की छूट होती है। लॉकर शुल्क पर 25% तक की छूट होती है। ई मोड मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट बनाने और उच्च ब्याज अर्जित करने के लिए ऑटो स्वीप का फायदा।
आपको जैसा कि आप सब जानते हैं, ऑनबोर्डिंग के समय डीमैट और ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट का लाइव ड्राफ्ट मल्टी सिटी चेक SMS अलर्ट जारी करना, मुफ्त ऑनलाइन NFFT RTGS की सुविधा, ओवरड्राफ्ट 2 महीने के नेट वेतन के बराबर वर्तमान में केवल चुनिंदा ग्राहकों के लिए उपलब्ध है, रिवाइव पॉइंट की सुविधा। आपको बता दूं कि बिना किसी परेशानी के खाता खोलने की प्रक्रिया, कर्मचारी अपने खाते को ऑनलाइन खोलने या नज़दीकी शाखा में जाकर भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। आपको बता, मंदिर का उद्घाटन कौन किया है? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर का उद्घाटन दोपहर 22 जनवरी दोपहर को हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किए थे। जैसा कि आप सब जानते हैं, 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन क्यों हुआ? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, उद्घाटन तिथि के बारे में बंसल बताते हैं कि परिवर्तन योग में बृहस्पति और मंगल के एक सीध में होने के कारण 22 जनवरी का दिन वास्तु में विशेष महत्व रखता है। आपको बता दूं, राम मंदिर किसने बनवाया था? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, जैसे जैसे भव्य प्रतिष्ठा समारोह नज़दीक आ रहा है, चंद्रकांत सोमपुरा का नाम भारतीय इतिहास के पन्नों में अंकित हो जाएगा। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार के रूप में उनके समर्पण और विशेषज्ञता ने एक दिव्य संरचना तैयार की है जो वास्तुशिल्प सीमाओं से परे है। आपको बता दूं, अयोध्या में राम मूर्ति किसने बनवाई थी? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, भगवान राम की मूर्ति तैयार करने वाले मैसूर स्थित मूर्तिकार अरुण योगीराज ने कहा कि अयोध्या में अलंकरण समारोह के बाद रामलला बिल्कुल अलग दिख रहे थे। आपको अयोध्या में राम मूर्ति किसने बनाई है? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज, जिनका जन्म कर्नाटक के HD कोटे तालुक के बेलजू गोदानपुरा गांव में हुआ था, अयोध्या राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह के लिए रामलला की मूर्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 200 किलोग्राम की मूर्ति में भगवान राम को 5 साल के बच्चे के रूप में खड़ा और सीधे से मुस्कुराते हुए दिखाया गया है। आपको बता दूं कि राम मंदिर का दूसरा नाम क्या है? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, राम मंदिर का दूसरा नाम श्री राम जन्मभूमि मंदिर है। यह मंदिर अयोध्या में स्थित है और इसे भगवान राम के जन्म स्थल के रूप में माना जाता है। इसे राम मंदिर के अलावा भी कई उप नामों से जाना जाता है, जैसे कि श्री राम जी मंदिर, अयोध्या मंदिर और राम जन्म स्थल मंदिर। आपको राम मंदिर बनाने में कितना खर्च आया है? तो जैसा कि आप रिपोर्ट्स के मुताबिक जो आप सब जानते हैं, 70 एकड़ में फैले एक विशाल परिसर में 2.7 एकड़ में मुख्य मंदिर है जिसकी ऊंचाई 161 फीट है। राम मंदिर हाल के वर्षों में भारत में सबसे महंगी धार्मिक परियोजनाओं में से एक है जिसकी अनुमानित लागत 1800 करोड़ है, मतलब 217 मिलियन के करीब है। आपको बता दो